यार तेरे को बोला था ना नजर नहीं आएगा आई तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज आदिल एंड यू आर वाचिंग सरकार तो यार आज की जो हमारी वीडियो है वो टॉप फाइव यूनिक लाइटर्स होने वाले हैं अब इस तरह की एक वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें टॉप फाइव जो लाइटर्स उनको डिस्कस किया था और ये उसी का एपिसोड टू है अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहले लाइटर है ना भाई वो है ये अब ये एक जिपो को आप उन्होंने कह लें कि जिक किया हुआ है या कॉपी किया हुआ है मिमी किया हुआ है इस तरह का सीन है इसकी फिनिश जो है वो शाइनिंग में आया और उसके ऊपर ये मोटेलिक की जो है ना बड़ी खूबसूरत सी ग्रीक गॉड टाइप की ना डिज़ाइनिंग हुई है अब देखने में तो ये नॉर्मल जिपो लगता है लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार बात ये है कि भाई इसको ओपन भी करते हैं और ये चलता भी बिल्कुल लाइट भी है ना ज़िप्पो की तरह हो रहा होता है लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार जो चीज़ है ना भाई वो ये है कि इसमें जो एक वो फीता होता था ना लाइटर्स के अंदर वो फीता नहीं है भाई इसके अंदर इसमें है क्या है कि इसमें उन लोगों ने गैस की ही नोज़ल दे दिया है और नीचे वाली साइड से आप गैस फिल कर सकते हैं और उसको एक शेप दे दिया फ्लेम दे दिया है ज़िप्पो की तरह का तो एग्जैक्ट ज़िपो की लुक आती है अब इसमें अब इसका जो स्टार्टर है ये एग्जैक्ट जो है वो ज़िप्पो वाला ही स्टार्टर है और इसमें जो गैस का मतलब जो फंक्शनैलिटी है कि गैस किस तरह से आ रही है तो इसकी जो जो पीछे वाली नॉच है जहाँ से ये पीछे जो मतलब जहाँ से ओपनिंग हो रही होती है ये जो चीज़ है यहाँ के पे अंदर एक बटन लगा हुआ है मतलब एक बॉल लगा हुआ है जब हम इसको ओपन करते हैं तो बॉल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और गैस जो है वो इसमें से रिलीज स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट करते हैं तो लाइटर चल जाता है जब इसको बंद करेंगे तो एक तो वैसे ही इसमें ऑक्सीजन की जो है वो किल्लत हो जाती है तो वो लाइटर बंद हो जाता है और इसके अलावा जो सीन है कि यहाँ पे जो गैस का स्विच होता है वो भी बंद हो जाता है और जो गैस है लाइटर है वो बंद हो जाता है अब नेक्स्ट लाइटर जो है वो भाई इस तरह का लाइटर है कि वो मतलब गेमर्स के लिए है मतलब अगर आप गेमर हैं और स्मोकर हैं तो उस वो ना आपके लिए सबसे पसंदीदा चीज़ होने वाली है भाई वो है ये चीज़ अब ये है कि अब ऐसे तो मैं गेमिंग ही करता लेकिन मुझे सुनने में ये पता चला है कि भाई पबजी में जो आप शायद लेवल थ्री कोई चीज़ है लेवल थ्री पर पहुँच जाते हैं तो उसमें आपको ये जो ना है ना हेलमेट मिलता है सेफ्टी हेलमेट तो ये वो सेफ्टी हेलमेट है अब इसमें एक ये जो चीज़ है ये सिर्फ शश्के के लिए है इसमें कोई काम नहीं हो रहा इसके नीचे वाली साइड से इसके जो गैस फिलिंग पॉइंट है वो है और इस जगह से वही जो इसकी है ना गैस निकलती है अब उसको करना क्या है कि इसको सिंपली इस तरह से नॉर्मल लाइटर की तरह चलता है और इसमें फंक्शनैलिटी कोई नहीं है सिर्फ शेप जो है वो इसकी मज़ेदार किस्म की मतलब गेमर्स के लिए एक शेप बनाई गई है जिस तरह गेमर्स के लिए बहुत सी चीज़ें बनती हैं उन्होंने लाइटर भी बना दिया है कि इस फील्ड में क्यों गेमर पीछे रहे तो अगर आप गेमर हैं तो यार ये लाइटर आपके लिए और प्राइस टैग की बात करें वैसे मैं इसका भूल गया था तो ये लाइटर जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो 999 नाइन नाइन में वो आपको अवेलेबल होगा और ये लाइटर भी 999 की ही प्राइस टैग में आपको जो है वो अवेलेबल होगा तो थर्ड लाइटर की तरफ चलते हैं थर्ड लाइटर से रिलेटेड एक लाइटर हमने अपनी लास्ट एपिसोड वन में भी किया था भाई वो था नाइफ लाइटर और काफ़ी सारे लोगों ने कहा था भाई ये मिलेगा कहाँ से तो मिलेगा कहाँ से भाई वाली ये चीज़ होती है कि उसको ना मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में मैंशन कर देता हूँ तो ये उसी तरह की चीज़ है इसके एक साइड पे जो है वो लाइटर है और इसका जो फ्लेम है वो एयर रेजिस्टेंट जो फ्लेम होता है वो फ्लेम है जो मतलब फील हो रहा है और मुझे नज़र भी आ रहा है लेकिन कैमरा में नज़र नहीं आ रहा होगा इसके लिए जो है ना वो लहरा से शॉर्ट लगेंगे वो मैं बाद में लगा दूंगा बैक साइड पे जो इसका डिज़ाइन है वो एक ईगल बना हुआ है और जो मतलब मज़े की चीज़ है वो है भाई ये नाइफ़ तो ये जो नाइफ़ है ना ये मतलब आपके सेल्फ डिफेंस में भी काम आएगी और शिशके के लिए तो मतलब बहुत ही अच्छी है मतलब लेकिन जो पिछली वाली वीडियो में हमने लाइटर डिस्कस किया था जो उसको देखा था उसकी जो ये जो नाइफ थी ना ये बहुत बिजली की तरह निकल रही थी इसकी उस तरह की नहीं है लेकिन थोड़ा सा चौड़ा ब्लेड है और धार में उससे थोड़ा ज़्यादा तेज है तो इसके भी पीछे वाली साइड पे यहाँ पे हमें एक क्या कहते हैं गैस फिलिंग के लिए पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे एक जो है ना जैसे वो वॉल्यूम स्क्रोलर होता था उस तरह की एक चीज दी गई है मतलब एक घरारी टाइप चीज़ है तो उसको हम मूव करके ना इसका फ्लेम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी हार्ड है मतलब हो नहीं रहा मुझसे अरे यार जो फोर्थ लाइटर है ना वो मतलब फोर्थ और फिफ्थ लाइटर जो है ना वो एक जैसे लाइटर है लेकिन उनकी शेप लैदा थी और थोड़े से देखने में लुक में ना फर्क था तो मैंने कहा ये दोनों लाइटर जो है ना वो करेंगे अब ये है क्या है कि भाई ये वो डेजर्ट ईगल वाला हिसाब है अब आपको हल्की सी लुक तो आ गई होगी भाई ये है एक पिस्टल की तरह का लाइटर और पिस्टल भी मतलब कोई आम पिस्टल नहीं मतलब प्रॉपर पिस्टल की शेप है थोड़ा सा आगे जो है ना यहाँ पे फर्क है जो मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा ना जाली सा लगने लग जाता है अदरवाइज ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का है और लोड भी होता है मतलब ये आवाज़ ही बहुत होती है बंदे का जो ना मतलब बस करवाने के लिए हवाइयाँ उड़ाने के लिए ये जो ये ये आवाज बहुत होती है अब इसका जो फ्लेम है वो एयर रेजिस्टेंट फ्लेम है और काफी तेज मतलब बहुत ज़्यादा गर्म फ्लेम है अब ये जो गर्म फ्लेम है ना इसका काम क्या होता है कि सिगरेट जो है ना वो आम लाइटर वगैरह से भी लग जाती है लेकिन जिस हमारे पास यहाँ पे एक सिगार है और सिगार जो है वो आम लाइटर के साथ जो है ना वो नहीं लगता तो हम इसके साथ जो है ना वो इस सिगार को ना जला के इसको देखें कि मतलब कितनी देर में सिगार को जलाता है वो ना ना होके गैस ही खत्म हो जाए और पीछे वाली साइड पर मिमिक पूरा किया हुआ लाइटर को ना मतलब पीछे वाली साइड पर यार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक मैगजीन जिस तरह मैगजी बाहर के थोड़ा निकला होता है ना एक्स्ट्रा शॉट के लिए जो एक्स्ट्रा शॉट मैगजीस होते हैं उस तरह का मैगजीन है और लोड होना है तो ये रुक लोड होते वक्त मतलब इसका चैम्बर जो है वो पीछे लॉक नहीं होता तो और जो इसका ट्रिगर है ना घोड़ा ये वो घोड़ा मतलब ये वो चीज़ है जैसे कहता है ना कि आई विल मेक यू एन ऑफ़र यू कॉन्ट डिनाई तो ये वो वाली चीज़ है तो इसको मतलब कैरी करना इसलिए मज़ेदार है कि इसके साथ एक ये बेल्ट होल्स्टर भी आता है आप इसको बेल्ट के साथ ईजीली लगा के और इसको इसके अंदर मतलब रख के इसको लॉक कर लेना इधर से और पीछे वाली साइड से जो है ये आपके बेल्ट के अंदर चला जाएगा और आपने इसको सेम है जैसे आपने पिस्टल जो है वो हैंग किया होता है कैरी किया होता है उसी तरह ये चीज़ भी कैरी हो और मतलब इसको मगिंग शगिंग के लिए भी इस्तेमाल करना सिर्फ शश्का है तो इसको शशका ही रखना मतलब एजुकेशनल पर्पज़ है और यूज़ है तो उस तरह का सीजन रखना कोई ऐसी चवल ही मारनी और दूसरा जो तीसरी बात मुझे इसकी अच्छी लगी थी इसके साथ एक स्टैंड जो है उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है स्टैंड को आप जो है ना मतलब जोड़ लेंगे अगर ये मेरे से जुड़ जाए मतलब ये थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा है इसके अंदर तो इस स्टैंड के ऊपर आप इसको रख के एज़ ए डेकोरेशन पीस भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और देखने में बड़ी खूबसूरत सी लगती है स्पेशली अगर सपोज़ के आपके ऑफिस में कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने स्मोकिंग जोन लगता बनाया हुआ है कोई गेस्ट आ जाता है तो मतलब ये सिगरेट लगवाना ना बहुत सेक्सी काम हो जाएगा तो इस वीडियो में जो मेरा सबसे मतलब ज़रूरी और सबसे मज़ेदार और सबसे मतलब फेवरेट जो लाइटर है ना भाई वो ये लाइटर है अब ये लाइटर देखने में सेम उसी तरह का लगता है लेकिन इसकी जो मतलब उन्होंने मिमिक और कॉपी किया हो ना इसको पिस्टल को वो इतना डिटेलिंग में है कि एक तो इसकी जो शेप है वो एग्जैक्ट पिस्टल की तरह की है और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि भाई इसका चैम्बर जो है वो भी लॉक होता है तो चैंबर भी लॉक होता है तीसरी चीज़ है सबसे मज़ेदार इसकी यार इसका वेट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट एक पिस्टल के जितना का वेट है जो एक सेवन शॉट या नाइन शॉट पिस्टल होती है उसके जितना इसका वेट है अब इसमें भी नीचे वाली साइड से जो है वो गैस जो है इसके अंदर रिफिल हो जाती है इसके साथ हमें एक ये बेल्ट होल्स्टर आ जाता है जिसको मतलब उसी तरह इसके अंदर हम पिस्टल को रख के मतलब इसकी यार इतनी एग्जैक्ट मतलब फीलिंग है ना कि मैं इसको रख भी था तो इसको इसके अंदर आपने रख के और उसको अपने बेल्ट के साथ लगा देना और बाद में ये सीन होता है कि क्या रे तेरे को मैंने बोला था ना इस एरिया में नहीं आने का तो ये वो सीन है अब इसका भी जो फ्लेम है यार वो एक एयर रेजिस्टेंट फ्लेम है मतलब ये चेक कर रहे हो संजू बाबा वाले स्टाइल में मैंने इसको पकड़ा हुआ मतलब सिगरेट भी लगानी है तो यही फ्लेम होगा लेकिन ये ना तो मतलब हो कि इधर न करके ला दो देर नक् जहाँ ना वो मतलब साफ हो जाए नक के बीच केड़े नक ना कोई किसी पर जाएगा फिर तो मतलब आपने इसको ज़रा यूज़ केयरफुली करना है और मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो ना हो कि आप ये लाइटर जो है वो इसको परचेज़ कर लें बाद में दुनिया को डराया हो पूरे मोहल्ले को ना मतलब पापड़ खा रहे हो तो डरा डरा के सारा रहे हो ना <laughs> तो इसलिए ये हरकता बिल्कुल नहीं करनी तो इसकी जो प्राइस टैग है ये तकरीबन थर्टी फाइव हंड्रेड के राउंड अबाउट है और जो इससे पहले हमने ये वाली गन की है इसकी थ्री थाउजेंड के आसपास है लेकिन मुझे ये वाली जो गन है ये ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि ये हकीकत के ज़्यादा करीब है अगर मैं इसका वेट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक वेट मशीन जो है वो अवेलेबल है और इसमें इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 315 ग्राम आ रहा है और ये वाली जो है इसका अगर मैं वेट करता हूँ तो ये 415 ग्राम आ रहा है मतलब 100 ग्राम का जो फ़र्क है इसके अंदर और इनकी जो फील है ना ये एग्जैक्ट जो है वो पिस्टल वाली फील है जो मतलब लग रहा था कि ये पिस्टल है तो बारी बारी इन दोनों से ना हम सिगार जलाने की भी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मतलब दोनों का फ्लेम वैसे एक जैसा है तो आई थिंक एक से भी चला लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिगार का क्योंकि आगे से कट करना पड़ता है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हम में से सिगार कोई पीता नहीं है तो हम इस छुरी का इस्तेमाल करके इसको आगे से काटेंगे कटर नहीं अवेलेबल भाई अभी इतना पैसा नहीं है तो इसको मैं जलाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये कितनी देर में जलता है धुआँ शाम है धुआँ धुआँ तो यार इसको सिगार जलाने में कोई मसला पेश नहीं आया मतलब ये सिगरेट को तो उड़ा के रख देगा ना इसलिए आपने ये टेंशन नहीं रही धुआं मेरे से दूर ले जाओ मुझे बहुत एलर्जी है धुएं से ये पकड़ो इसको अब यार वो जो दोनों ये जो दोनों फ्लेम्स है ना ये एक तरह के इससे तो हमने सिगार जला के देख लिया बरल जो हमारे पास बाकी लाइटर्स है ना ये एक दो और ये तीन इन तीनों का फ्लेम्स क्योंकि एक तरह से है तो हम इनके साथ भी ना सिगार जला के तो चेक कर लेते हैं कि वो चलता है कि नहीं चलता है बस चल तो जाएगा लेकिन ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो तंबाकू जो है वो रॉ होता है और उसको जलने में थोड़ा टाइम लगता है और ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो इसलिए जलने में थोड़ा ये टाइम ज़्यादा लेता है तो इसको भी मैं लगा के चेक करता हूँ वैसे ये बहुत ज़्यादा ना गलत काम है आपने बिल्कुल नहीं करना इधर नीचे कैप्शन डाल देना तम्बाकू नोशी मुजरे सेहत है ठीक है इससे भी जल गया है लेकिन ये इस तरह का सीन है कि भाई इसमें ना क्योंकि उतना प्रेशर नहीं है फ्लेम के अंदर तो तंबाकू जो है वो एंड से बहुत कम जलता है तो उसको जलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक तो ये फ्लेम्स हैं क्योंकि इन तीनों के फ्लेम जो है वो एक साइज़ के हैं और एक तरह से फ्लेम है तो इनसे जो है वो सिगार थोड़ी मुश्किल जलेगा जो सिगरेट तक का लेवल है ना वो क्या या इवन आपने सिर्फ कैरी करना है तो भी ये चीज़ बहुत अच्छी है ये तो वैसे एक ऐसी चीज़ है कि जो आप सिर्फ अपने पास एक शशके के लिए रख सकते हैं या एज ए डेकोरेशन पीस रख सकते हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी सी चीज़ है कि ये जो हेलमेट है ना इसको आप कैरी नहीं कर सकते या कि पॉकेट में नहीं आएगा ये मेरी मुट्ठी के अंदर भी पूरा नहीं आ रहा उसके अलावा ये लाइट लाइट एज ए लाइटर ये एक चीज़ है अच्छी कैरी करने के लिए एज ए सेल्फ डिफेंस या एज ए शशका वो ये नाइफ वाला लाइटर है और जो मज़ेदार लाइटर मुझे मज़े लगे हैं भाई वो है ये चेक कर रहे हैं मतलब एक्स है एक्स प्रॉपर एक्स इधर एक मतलब अगर मैं इधर कर लूँगा तो एक खोपड़ी भी आ गई है इसके अंदर तो ये वो एक्स है तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है और आज के जो लाइटर्स हैं वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं और मतलब चेक कर रहे हो कि दो तीन असले हैं मेरे पास कहते हैं भाई असले दे तो यार ये जो पांच के पांच लाइटर्स हैं जिनमें से हमारे पास ये वाला हेलमेट वाला और ये जो डिज़ाइन वाला लाइटर है मतलब गैस वाला जो जिप्पो है वो भाई नाइन 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 की प्राइस टैग में है एक हमारे पास जो है वो नाइन फिफ्टी की प्राइस टैग में ये जो ईगल नाइफ है ये वाला जो पिस्टल है हमारे पास जो वेट में हल्का है और थोड़ा सा फेक लगता है देखने में ये हमारे पास थ्री थाउजेंड के प्राइस टैग में है और हमारे पास ये जो एक पिस्टल वाली लुक है ना और जो इसका मतलब चैम्बर भी लोड हो जाता है और ये भी सीन है ये हमारे पास 3500 की जो प्राइस टैग है उसमें अवेलेबल है अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो इनके जो परचेज लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से इसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं और भाई इस वीडियो को आपने लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और जो जिन आपको दोस्तों को लगता है कि भाई ये जो है थोड़े से काम की चीज़ें हैं या किसी को इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है उन सब के साथ आपने लाजम इसको शेयर करना है इंशाल्लाह शाला आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा الله حافظ